प्यारे बच्चों वालेकुम मुझे उम्मीद है कि आप सब से होंगे जमात छठी मजमून उर्दू बेटा आज का हमारा नवान है चुगली खाने वाला बेटा कल हमने इस सबक का पहला पैरा पढ़ा अब हम दूसरा पैरा पढ़ने जा रहे हैं आउज़बिल्ल मिना शैतरिमसमिल्लर चगल खोर ने बताया कि कोड़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है चगल खोर ने किसान की बीवी से कहा कि जो कोड़ी होता है कोड़ी कोड़ का मरीज होता है उसका जिस्म नमकीन होता है अगर अपनी तसली करना चाहो तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लो अगर आप अपना तस्ली करने करना चाह रही हो तो एक किसान के जिसम के को चाट कर देख लो किसान की बीवी चगल खोर की बातों में आ गई किसान की बीवी जो थी वो इस चगलखोर की बातों में आ गई उसने कहा वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी उसने कहा कि कल मैं खुद किसान को खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिसम को चाट कर ज़रूर देखेगी तो मैं जब खेतों में खाना लेकर जाऊंगी तो मैं वहाँ किसान के जिसम को चाट कर देखूँगी चुगल खोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ गया जब किसान जब चगल खोर ने किसान की बीवी से ये बातें की तो वो खुद खेतों की तरफ सीधा खेतों की तरफ गया किसान खेती बाड़ी के काम कामों में लगा हुआ था किसान जो था वो खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था चगल खोर किसान के पास पहुंचा ये चगल खोर जो था वो किसान के पास पहुंचा और उससे कहने लगा तो और किसान से कहने लगा कि तुम इधर खेतों के खेतों में काम करते फिर रहे हो कि तुम इधर खेतों में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है तो उधर तुम्हारी बीवी जो थी है वो पागल हो गई है किसान बड़ा हैरान हो गया हुआ ये किसान जो था ये बहुत हैरान हुआ चुगल ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा ये चुगल जो था इस उस इसने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है आपकी बीवी जो है वो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है किसान काम का छोड़ कर सोच में पड़ गया ये किसान जो था उसने सब काम का छोड़ दिया और सोच में पड़ गया उसने दिल में सो उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा वो किसान जो था वो दिल में सोच रहा था कि ये नौकर जो है ये सच ही कह रहा होगा उससे इस इस कसम का झूठ बोलने की क्या पड़ी ये इस चुगलखोर खोर को इस कसम का झूठ बोलने की क्या मजबूरी है चुगलखोर खोर ने इसे परेशान देकर कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं चगल ने इसे कहा चगल ने इसे परेशान देख कर कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो जब आपकी बीवी कल खाना लेकर आएगी तो उस वक़्त देख लेना तो आप उस वक़्त देख लेना चगल ने यह जान लिया कि किसान इस उसकी बातों में आ गया चगल को ने यह जान लिया उसको समझ में आया कि ये किसान जो है वो मेरी बातों में आ गया तो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँच गया तो वहाँ से उठकर वो किसान के साले जो थे उसकी बीवी के भाई तो उनके पास पहुँच गया वो एक दूसरे वो एक दूसरे गाँवों में रहते थे वो उसके भाई जो थे वो दूसरे गाँवों में रहते थे चगल खो ने इन्हें बताया कि तुम यहाँ मजे कर रहे हो और वहाँ और तुम्हारा बहनो तुम्हारी बहन को रोजाना बड़ी बेदर्दी से मारता है और उसने इनके किसान के सालों से कहा कि आप यहाँ मजे कर रहे हो तुम्हारा बहनोई जो है वो तुम्हारी बहन को रोज बेदर्दी से मारता है उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया वो हैरान हुए और उन्होंने बताया कि हमारी बहन ने कभी नहीं बताया चलखोर ने कहा वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताई बताती है बताई तो वो बेचारी शर्म के मारी मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें उन्होंने किसान के साल साले जो थे उन्होंने बताया कि हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें चल फ़ौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आँखों से देखना चाहो तो कल दोपहर खेतों में आकर देख लेना अगर आप लोग अपनी आँखों से देखना चाहते हो तो कल दोपहर दोपहर खेतों पर आकर देख लेना वो ये बात सुनकर लाल बाबू हो गए लाल बाबू नहायत सुरख गुस्से के बाद सुरख होना वो लाल बाबू का हो गए उन्होंने चोगल से कहा कि कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आँखों से देखेंगे और चगल खोर के वो जो थे चोगल खोर के चगल खोर के से कहा किसान के सालों ने कि हम कल खुद आकर ये अपनी आँखों से देखेंगे खेत में आएंगे और वहाँ छुप कर ये सब अपनी आँखों से देखेंगे बेटा और इसी के साथ हमारा ये सबक जो था इसका पे पेरा नंबर दो ख़त्म हो गया इन पेरा नंबर तीन पढ़ेंगे अल्लाह हाफिज़